स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फिट एंड फाइन। लास्ट सेशन में हमने किए थे चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स। तो आज हम वापस से एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, पर करेंगे आज उसका पार्ट 2, यानी कि रेपिटेशन नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है स्टडी द वेरिएशन इन द एटॉमिक रेडियाई ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं और इनका एटॉमिक रेडियस भी दिया गया है। एंड अरेंज देम इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर, और क्या बोला गया है कि इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, राइट? तो ये हमारे पास दिए गए हैं ग्रुप 1 एलिमेंट, सोडियम, लिथियम, रुबीडियम, सीजियम एंड पोटेशियम, और एटॉमिक रेडियस दिए हैं इनके, ये 86 है। सोडियम का 86, लिथियम 152, रुबीडियम 244, सीजियम 262 एंड पोटेशियम 231। तो इन्होंने कुछ नहीं पूछा, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमें इनके एटॉमिक रेडियस को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर सबको पता है, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में हम लोग बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग अपने एलिमेंट्स भी लिखने हैं और एटॉमिक रेडियस भी लिखना है, तो बहुत ही सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेम द एलिमेंट्स विच हैव द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एटम्स। आपने उन दो एलिमेंट्स के नाम बताने हैं, सबसे पहले स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटे, एंड इसके बाद सबसे लार्जेस्ट यानी सबसे बड़े। वो एलिमेंट्स के नाम बताने हैं जिनके एटम सबसे छोटे और सबसे बड़े हों। तो कौन से हैं वो? सोडियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसके एटम सबसे छोटे हैं यानी कि स्मॉलेस्ट, और कैल्शियम हैज लार्जेस्ट एटम। ये आपको याद करना पड़ेगा, सोडियम के स्मॉलेस्ट है एंड कैल्शियम के लार्जेस्ट एटम है। नेक्स्ट है, हाउ डज द एटॉमिक साइज वेरी एज यू गो डाउन अ ग्रुप। यहाँ बात की गई है कि जब भी हम, ये एक ग्रुप है, यहाँ पे जब भी हम डाउनवर्ड्स जाते हैं, मतलब ऊपर से लेकर नीचे की तरफ जाते हैं, तो एटॉमिक साइज पर क्या इफेक्ट होता है, ये इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है? तो ये बात आपको याद रखनी है कि हम जब भी किसी ग्रुप में, वी गो डाउनवर्ड्स टू एनी ग्रुप, तो क्या होगा, एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होगा, यानी कि व्हेनेवर वी मूव डाउनवर्ड्स एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वैलेंसीज ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंसेस बतानी है। वैलेंसेस के बारे में हमने पहले पिछले सेशन में बात की थी कि वैलेंसेस काउंट करना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिफरेंट होता है। मेटल्स में रहता है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होंगे, वो मेटल्स की वैलेंसी होगी। बट अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो उनकी वैलेंसी क्या रहेगी, 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। ये एक जो मेजर, ये एक तरह से प्रोटोकॉल कह लो कि एक मेजर चीज है जो आपको याद करनी है जब भी आपको वैलेंसी काउंट करनी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एलिमेंट से। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है पीरियोडिक टेबल में, हाइड्रोजन, और इसका सिंबल क्या है, H। एटॉमिक नंबर सबको पता है 1 है, कॉन्फिगरेशन भी 1 है, तो वैलेंसी इसकी क्या है, 1, राइट? इसके बाद सेकेंड है हीलियम। हीलियम का सिंबल क्या है, हीलियम का सिंबल है एच ई, और इसके एटॉमिक नंबर क्या है, 2, और कॉन्फिगरेशन भी 2 है। तो इसकी वैलेंसी क्या हुई, इसकी वैलेंसी हुई 0, क्योंकि ये तो इसकी वैलेंस शेल बिल्कुल कंप्लीट है, फर्स्ट जो इसका शेल है वो बिल्कुल कंप्लीट है, और इसीलिए क्या है, नोबल गैस है। थर्ड एलिमेंट है लिथियम। लिथियम के एटॉमिक नंबर 3 है, कॉन्फिगरेशन क्या है, 2 एंड 1, तो वैलेंसी क्या होगी इसकी, 1, राइट? नेक्स्ट है फोर्थ एलिमेंट बेरिलियम, और इसका सिंबल है Be। एटॉमिक नंबर इज 4 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 2, 2 एंड वैलेंसी इज 2। नेक्स्ट इज बोरोन एंड सिंबल इज Be। एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फिगरेशन 2 एंड 3 एंड वैलेंसी इज 3। नेक्स्ट क्या है, कार्बन। कार्बन का सिंबल है C, एटॉमिक नंबर है 6 और कॉन्फिगरेशन क्या है, 2 एंड 4, और इसकी वैलेंसी क्या रहेगी, एक नॉन मेटल है इसलिए 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, यानी कि 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 है कार्बन की वैलेंसी। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सिंबल है N, एटॉमिक नंबर है 7 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 2, 5, और वैलेंसी क्या रही, 8 माइनस 5, 3। इसके बाद बात करेंगे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, वैलेंसी 8 माइनस 6, 2। नेक्स्ट इज फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फिगरेशन 2, 7 एंड वैलेंसी इज 8 माइनस 7, 1। ठीक है, नेक्स्ट इज नियॉन। नियॉन का सिंबल है Ne और एटॉमिक नंबर है 10, कॉन्फिगरेशन है 2, 8, फुल है, वैलेंसी क्या रहेगी, 0। सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फिगरेशन 2, 8, 1 एंड वैलेंसी इज 1।
अब क्या है, आपको इसी तरह से जितने भी एलिमेंट्स है, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स जो है उनकी वैलेंसी काउंट करनी है, और 20 एलिमेंट्स तक करने के बाद जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें याद रखनी है वो क्या है कि द एलिमेंट्स हैविंग 1, 2, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वो एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 1, 2 या 3, इन तीनों में से कोई भी, वो क्या रहे हैं मेटल्स, ठीक है। और जिन एलिमेंट्स की वैलेंसी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 4, 5, 6, 7, 8, वो क्या है नॉन मेटल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफी सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेटल कौन सा है और नॉन मेटल कौन सा है। तो यहां से आपको शॉर्टकट में याद हो जाएगा कि 1, 2, 3 अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो वो मेटल्स है, और जिनका 4, 5, 6, 7, 8 है तो वो क्या है नॉन मेटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन विच साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल डू यू फाइंड द मेटल्स। अब यहां पूछा गया है कि मेटल्स कौन से साइड पे होते हैं पीरियोडिक टेबल के, तो ये अगर हमारा पीरियोडिक टेबल है तो यहां पे मेटल्स कहां पर है, लेफ्ट साइड पर, यानी कि लेफ्ट की तरफ जो होंगे वो होंगे हमारे मेटल्स और राइट की तरफ जो होंगे वो हमारे नॉन मेटल्स। तो अगर आपसे पूछा जाए किस साइड पर मेटल्स हैं तो लेफ्ट साइड पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे पूछा गया है कि ऑन विच साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल डू यू फाइंड नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स कहां पर है, राइट साइड के, पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पे नॉन मेटल्स और लेफ्ट पे मेटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डू यू थिंक द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स विल चेंज इन अ ग्रुप। यहां पूछा गया है कि आपको क्या लगता है कि ग्रुप में लूज इलेक्ट्रॉन्स, वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, उनकी टेंडेंसी कैसे चेंज होती है, कैसे पता चलता है कि कौन से ज्यादा कर रहे हैं कौन से नहीं। तो क्या होता है, जब भी हम ये ग्रुप है और यहां से जब हम नीचे की तरफ जाएंगे यानी गोइंग डाउन इन अ ग्रुप, द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, राइट। यानी कि जैसे जैसे हम ग्रुप में डाउनवर्ड्स जाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, तो जो एलिमेंट्स है वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, यानी कि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसी से रिलेटेड है, हाउ विल टेंडेंसी चेंज इन अ पीरियड। यहां हमारे ऊपर जो बात हुई थी वो ग्रुप की हुई थी कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, बट अगर हम पीरियड में यानी कि यहां लेफ्ट से हम लोग राइट की तरफ जाते हैं तो क्या होगा, तो क्या होगा, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, यानी अगर हम यहां से यहां जाएंगे तो ये माइनस होगी, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, और अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। आई होप आपको ये छोटा सा पॉइंट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, हाउ वुड द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, पहले बात हुई लूज इलेक्ट्रॉन्स, अब यहां पूछ रहे हैं कि अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना हो वो कैसे चेंज होगी एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। अगर आप किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की टेंडेंसी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एज वी गो लेफ्ट टू राइट। बड़ी सीधी सी बात है कि अगर लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा तो इसका मतलब लूज नहीं कर रहा तो वो गेन कर रहा है, तो क्या होगा कि गेन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, बट कहां तक, 17th ग्रुप तक तो ये इंक्रीज करेगी, राइट। उसके बाद जब हम 18th में आएंगे, 18th पीरियड 18th ग्रुप में आएंगे तो क्या होगा, ये डिक्रीज कर जाएगी। तो क्या है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अप टू 17th ग्रुप, बट यहां जब हम ये 18th ग्रुप में पहुंचे तो ये फिर क्या होने लग जाएगी, वापस से डिक्रीज होने लग जाएगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ वुड द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स चेंज एज यू गो डाउन अ ग्रुप। चलिए अब यहां वापस से वही पहले क्वेश्चन की बात हो गई, अब यहां हम वापस गो डाउन टू द ग्रुप करेंगे तो गेन इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, वहां पर क्या हो रहा था, ऊपर से नीचे ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे आ रहे थे तो लूज इलेक्ट्रॉन हो रहा था ज्यादा, यानी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, तो अगर वहां पे इंक्रीज हो रहा है तो गेन इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिक्रीज ही होगा। तो इसका क्या राइट आंसर है, जब हम ग्रुप्स में डाउनवर्ड्स आते हैं तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। वैसे आपको एक तरफ का याद है तो दूसरी तरफ का आप अपने आप आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे इसका आंसर होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अगर आपको इस सेशन में कुछ भी कंफ्यूजन है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है या किसी भी तरह का कोई और भी क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।